आपका नाम क्या है? नरेश कुमार गुप्ता। नरेश जी, 2006 में क्या हुआ था? 2006 में ये हुआ था कि हमारे बड़े सबसे बड़े भाई के बच्चों ने औने पौने में मकान का कुछ हिस्सा बेच दिया था अनडिवाइडेड। तो अनडिवाइडेड बेचने का मतलब तो ये होता है कि उसका राइट रहेगा सामने वाले का, लेकिन वो पोजीशन लेके जबरदस्ती वो घर में घुस गया था। तो उसका पुलिस केस चल रहा है, कोर्ट में केसेस अभी भी चल रहे हैं। कौन घुस गया था? किसे बेचा? अतीक, किसको बेचा था? अतीक अहमद को बेचा था। अतीक अहमद, तो फिर अतीक अहमद खुद आया था यहाँ पे कब्जा करने? क्या हुआ था? एक बार ही आया था, बाकी तो उसके चमचे ही आते थे। वो 20,000 करोड़ का आदमी है, वो ये 1 करोड़ के लिए काय को आएगा? तो यहाँ पे क्या करता था उनके पुत्र? क्या कहा, किस तरह से आपको टॉर्चर किया गया? मारपीट भी की, जबरदस्ती पोजीशन ले लिया नीचे का। उन्होंने थोड़े बहुत हाथ पैर भी चलाए मेरे साथ, मेरी वाइफ के साथ थोड़ी बहुत चोटें भी आई। पुलिस का बताइए, प्रॉपर्टी कितनी बड़ी है, कितना हिस्सा उसने लिया था और कितने पैसों में लिया था, उसको मार्केट कीमत क्या थी? जहाँ तक मुझे पता है उस टाइम इसकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू का 3 करोड़ की थी। और उसने पहले लिया 92 लैक्स में, और बाद में हमने क्लेम किया कि इसमें 3 नहीं 4 हिस्सेदार हैं। तो उसने उसको 1/4 किया, वो जो भी उसका अरेंजमेंट हुआ मुझे पता नहीं है। एक हमारी सबसे बड़ी बहन भी है, तो जो भी म्यूटेशन डीड वगैरह में थी इन लोगों ने गड़बड़ की और उसको उसको नहीं दिखाया। 3 भाई दिखाए थे वो। तो फ्रॉड किया इन्होंने, प्रॉपर्टी के कागज बनाने में फ्रॉड किया, बंटवारा किए बेच दिया था एक हिस्सा। जब तक बंटवारा नहीं होगा, जब तक प्रॉपर्टी आपको ये नहीं पता कि ये कम का आपका है कि मेरा है, हम दोनों भाई हैं तो आप बेच के दे सकते हो। जब तक उसका डिवीजन नहीं होगा लीगल तरीके से, उसका कुछ भी हिस्सा बेच के दे सकते हो। अतीक जब आया तो क्या कहा उसने? क्या कहता था वो? उसने मेरे से कुछ नहीं कहा, मेरे से क्या कहेगा? उसके चमचे बात करते थे। क्या कहते थे? खाली करो। हथियार लेके आते थे? हाँ, 3 और 3 राइफल्स वगैरह लेके आते थे, बल्कि 8-8, 10-10 आदमी आते थे। उस टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था। तो पुलिस के पास गए तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। पुलिस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ जो करना है वो अभी तक कर ही रहे हैं, 18 साल में कुछ कर नहीं पाए वो। तो फिर आपको राहत कहाँ से मिली? राहत कोर्ट से मिली। कोर्ट ने उनको ऑर्डर दिए, हाई कोर्ट ने दिया, दिल्ली हाई कोर्ट ने, कि आप यहाँ से वेकेट कीजिए, आप उस प्रॉपर्टी के आसपास जब तक द केस इज नॉट डिसाइडेड इन द कोर्ट, आप उस प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई नहीं करेंगे। कौन सा सन में कोर्ट ने ऑर्डर दिया? ये ऑर्डर दिया 2007 में, 1 साल बाद जनवरी में। तो क्या उसके बाद उन्होंने खाली किया, कोर्ट का आदेश माना? हाँ, खाली किया कोर्ट के आदेश से बाहर निकल पाए। नहीं, क्योंकि उसके बाद तो हमारे पास पेपर हो गया ना कि हम पुलिस को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बाहर निकाल को धक्के मार के। जो फ्रंट है पूरे प्रॉपर्टी का, तोड़फोड़ है क्या? तोड़फोड़ भी उन्होंने की थी? हाँ, तोड़फोड़ भी उन्होंने की थी। ऊपर छत पे थोड़ा पाचर ही बना हुआ है, तो उसको जबरदस्ती ऑक्यूपाई किया था। अच्छा, पोर्च को? हाँ। यहाँ पे रहने भी लगे थे क्या? रहना वो सिर्फ आर्टिफिशियल रहना था, मतलब कब्जे के लिए दिखाना पड़ेगा ना आपको। कौन रहता था? उसके 2-4 चमचे थे। क्या पेपर फोर्स? तो प्रॉपर्टी रजिस्टर कैसे हो गई अनडिवाइडेड होने के बावजूद? भाई ये तो हमने जो अपना कोर्ट केस लगाया है उसमें तो मतलब हमने प्लीड किया है कि ये तो ये आपके भाई ने खुद बेचा था। या तो मुझे बात कंप्लीट करने दो। तो इनको ये डीएम वगैरह हैं जो ये साइन करते हैं पेपर्स, इनको भी कोर्ट में बुलाया जाए कि इन्होंने ये अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी को इसकी सेल कैसे अलाउ कर दी। एनसीडी ने जो म्यूटेशन किया, म्यूटेशन हमारे 4 सिग्नेचर से किया गया। अच्छा। मेरे सिग्नेचर के 4 हैं, मेरे छोटे भाई के सिग्नेचर 4 हैं। ये कैसे संपर्क में आते हैं अहमद के, आपके जिन्होंने प्रॉपर्टी बेची थी आपके परिवार में से? मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझे कोई थोड़ा ना बताया। अच्छा, पहले को प्रॉपर्टी को लेकर आपस में डिवीजन को लेकर कोई झगड़ा हुआ था? हाँ, 2 प्रॉपर्टी है, एक ओखला में है। हाँ। तो ओखला की डिवीजन के पीछे वो मतलब वो वहाँ पे वो कुछ कहने का इनको देने का उनका मूड नहीं था। हाँ।
तो उन्होंने कहा हम यहाँ से बेच के निकलते हैं।